तो ग्रुपिंग मेथड का जैसे नाम आता है, तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं ग्रुपिंग मेथड कब लगाएंगे। ठीक है, तो ग्रुपिंग मेथड तभी लगाया जाता है जब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी हम लोग का जो रहता है मोड में, उसका जब फ्लैक्चुएशन अधिक होता है। फ्लैक्चुएशन मतलब होता है कि मान लीजिए उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए अप अप होते हो अप, फिर दोनों साइड डाउन होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी अप डाउन करते रहता है। तो उस क्वेश्चन में, ठीक है, उस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। तो ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे तो उसको समझना सबसे पहले अति आवश्यक है। तो आइए आप हम लोग इसको धीरे धीरे एकदम स्लोली में समझते हैं, ठीक है। और ग्रुपिंग मेथड में सिर्फ फ्रीक्वेंसी का काम होता है, इसमें एक्स और क्लास का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए आइए चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का एक्स और एफ दिया हुआ है, ठीक है, देखिए 5 6 8, ठीक है, यहां तक देखिए अप हुआ, फिर डाउन हुआ, तो डाउन नहीं हुआ, फिर अप हो गया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन, मतलब अप डाउन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ग्रुपिंग को लगाएंगे। ग्रुपिंग लगाने से पहले देखिए यहाँ टेबल को पहले समझा लेते हैं आप लोग को। दो तरह का ग्रुपिंग होता है, ग्रुप इन टू और ग्रुप इन थ्री। ग्रुप इन टू मतलब 1+2, मतलब 1+2, ये दोनों को एड करके बीच में लिखना है, ठीक है। फिर 2+3, मतलब यहाँ पर काउंट करना, 2+3, ठीक है, 2+3 यहाँ पर काउंट करके लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 5 11 15 17 15 और 3। फिर इसी तरह 2+3, मतलब दो नंबर से स्टार्ट करना, दो दो, देखिए हाथ रख के भी हम लोग कर सकते हैं। अभी जो छूट जाएगा उसको छोड़ देंगे, जब पेयर में नहीं मिलेगा तो। अब 3 1 2 3 1 2 3, अब बीच में लिखेंगे, बीच तो इसका निकल जाएगा, इसमें लाइन में इसलिए लिखे तो दो का बीच में लाइन पर ही आएगा ना। 19, फिर यहां से यहां 24 17, ठीक है। फिर देखिए एक छूट जा रहा है, छोड़ देंगे। फिर 2 3 4, मतलब दो नंबर से स्टार्ट करना है, 21, फिर 26, फिर 9, ठीक है, उसके बाद फिर 3 4 1 2 3, यहां से, ठीक है, हम लोग को फिर यहां से करना है, ठीक है, उसके बाद 8+9 17 17 और 6 23, और दो छूट जाना छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे इस तरह से। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो वीडियो को रिवाइंड करके आराम से देखिए एक बार दो बार, जब तक समझ में नहीं आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेलीमार्क। टेलीमार्क क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा है उसको 1 मार्क्स देंगे, लेकिन इसमें देखिए 2 बड़ा है, 9 और 9, ठीक है। तो चलिए ऐसा कंडीशन में दोनों को एक एक दे सकते हैं, अगर एक ही बड़ा रहता तो सिर्फ एक देते, ठीक है, दोनों को 1 1 पॉइंट दे दिए। आगे बढ़िए, इसमें क्या, इसमें 2 क्यों दिए, अगर आप लोग के आप कोई दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे उसमें सिर्फ 1 रहेगा तो 1 में ही देना है, 2 में नहीं देना है, ठीक है। इसमें 9 2 टाइम्स है इसलिए हम लोग इसमें दिए हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ा है 17, कि 2 का टेबल है, इससे और इससे मिलकर बना हुआ, देखिए, ठीक है, यहाँ देखने का जरूरत नहीं है, जब बीच में लिखे हैं तो हम लोग ऊपर नीचे से, इसमें भी कौन बड़ा है 17, इसमें कौन बड़ा है 24, 3 का टेबल है 1 2 3, ठीक है, इसमें कौन बड़ा है 26, 1 2 3, देखिए इसके सीधा में इस हिस्से में जिस चीज से मिलके बना है सबको एक एक पॉइंट देना है। 3 का टेबल में 3 बार, 2 का टेबल में 2 बार, 1 2 3, काउंट कर लीजिए 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3, हो गया, काउंट कीजिए इसको, लिख दीजिए 1 2 5 4 3, वैसे 14 ऐड करके आता है लेकिन इसमें 15 आएगा क्योंकि 9 को हम लोग 2 टाइम्स था ना, 2 बार दिए, 15 आ रही। दूसरा क्वेश्चन में आप लोग का 14 आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा क्या है,
सबसे ज्यादा हम लोग का टेली मार्क है 5, इसके सामने देखेंगे इसमें तो देखिए कितना आ रहा है 15, इसलिए जेड इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा 50, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज में ग्रुपिंग मेथड से मोड किस प्रकार निकालेंगे, चलिए इसमें भी देखिए 5, 6, 8, 7, 10 हो गया, फिर 8, फिर 15, मतलब अप डाउन ज्यादा हो रहा था, ग्रुपिंग करने का जरूरत है। तो जिस तरह हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग किए थे सेम टू सेम प्रोसेस से जाना है, ठीक है। देखिए 1+2 मतलब दोनों को एड करके लिखना है, ठीक है। फिर देखिए 2+3 मतलब यहां से 14, 17, 23 और 8, 1 छूट जा रहा छोड़ देंगे, 1, 2, 3 मतलब शुरू से बीच में देखिए तीनों को बीच आ गया ना 25, 3, 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2, 3, 4, 2 से, ठीक है, 2 से हम लोग लिखेंगे, तो 2 से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहां से 1 यहां से ऐड करेंगे, ठीक है, 21, ठीक है, फिर 18 और 15, 33, उसके बाद 6, 2, 1, ठीक है। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। आइए 3, 4, 5 मतलब 1, 2, 3 यहां से 27, हाथ रख के बनाना है ताकि गलती ना हो, 29, ठीक है, जो छूट रहा छोड़ देंगे। इसमें भी हम लोग टेली मार्क देंगे, चलिए आइए अब इसमें टेली मार्क देते हैं। टेली मार्क किस प्रकार से हम लोग देंगे, इसमें जो सबसे बड़ा है उसको 1 नंबर, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है। हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में 2 लाइन दिए थे, क्यों दिए थे कि 9 2 टाइम्स आया था, ठीक है। इसमें 1, ठीक, देखिए इसमें बड़ा कौन है 21, इसमें 23, इसमें 25, इसमें 33, इसमें 29, काफी ऐसे हम लोग देते हैं सिंबल ताकि हम लोग को यहाँ डायट भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन हम इस तरह देने से क्या होता है, हम लोग को रॉन्ग होने का चांस कम हो जाता है। 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 4, 5, 2, 14 आना चाहिए एड होके, ठीक है, आ गया। तो सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, सबसे बड़ा हम लोग का क्या है 5, 5 के सामने क्या 15, ठीक है, तो ये 15, तो हम लोग का देखिए हम लोग का 15 है, हम लोग का L1 कितना हो गया 60, F1 कितना हो गया 15, F0 कितना हो गया, ठीक, इसका ऊपर वाला 8, F2 कितना हो गया, ठीक, उसके नीचे 6, I बराबर हम लोग का कितना है 10। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ठीक है। तो हम लोग का L1 कितना है 60, F1 कितना है 15 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2F1, यहीं पे काउंट करके लिख देते हैं 15 2 30, F0 8 F2 6 इंटू 10, 60 प्लस 7 7 इंटू 70, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 16 8 और 6 14 16 बचेगा 70/16, डिवाइड कर देंगे 17 को, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग इसको, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक।